ऐसी क्रीमी क्रीमी सा स्मूथ फिन्नी जो बस दो तीन चीजों से ही बन जाएगा। और ऐसी लाजवाब टेस्ट की फिन्नी तो आपको शायद मार्केट में भी ना मिले। तो यहाँ पे मैंने 50 ग्राम चावल को अच्छे से धोने के बाद 2 घंटे के लिए पानी में भिगो के रखी थी। तो अब इसे छान लेंगे और छलनी में थोड़ा सा फैला के इसे पंखे के नीचे सूखने देंगे करीबन 10-15 मिनट के लिए, ताकि इसमें जो एक्सेस पानी है वो भी सारा निकल जाए। और यह मैंने गोविंद भोग चावल ली है। आप सोना मसूरी या फिर सांबर राइस या फिर जीरा राइस भी ले सकते हैं। बेसिकली इन सब में मार ज्यादा रहता है, तो खीर या फिरनी वगैरह बहुत अच्छा बनता है। और यहाँ पे मैंने फुल क्रीम बॉईल की हुई दूध ली है और ये 1 लीटर में से 1 कप दूध कम है। तो इस दूध में फिर से अभी एक उबाल आने देंगे और ये चावल का सारा पानी निकल चुका है। तो अभी इसे मिक्सी में डालेंगे और अच्छे से पीस लेंगे। इसमें और पानी डालने की कोई जरूरत नहीं होगी। तो ये पीसी हुई चावल को इस बोल में निकाल लेंगे और जो 1 कप दूध मैंने निकाल के रखी थी इसे इस चावल में डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। ध्यान रखना इसमें कोई गुठलियां ना पड़े। और ये दूध बिल्कुल रूम टेम्परेचर का है, इसीलिए मैंने दूध को पहले उबाल के ठंडा कर लिया था, क्योंकि ये 1 कप दूध मुझे इस टाइम ठंडा चाहिए था। और इधर देखिए दूध में उबाल आ चुका है। तो अभी इसमें थोड़ा सा केसर डालेंगे। ये केसर बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन थोड़ा सा डाल देंगे तो फिन्नी का कलर बहुत बढ़िया आएगा। और अब ये चावल और दूध के मिक्सर को इसमें डाल देंगे और कंटिन्यू कलछी को ऐसे चलाते रहेंगे, ताकि दूध में ये चावल के मिक्सर की कोई गुठलियां ना पड़े। और लो टू मीडियम फ्लेम पर अब इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। आप ध्यान रखना दूध के ऊपर मलाई जमनी नहीं चाहिए, तभी फिन्नी बहुत ही क्रीमी टेक्सचर का बनेगा, स्मूथ बनेगा। ये देखिए थोड़ी ही देर में ही दूध गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। तो हमें बस इसे कंटिन्यू लो टू मीडियम फ्लेम पर चलाते रहना है और कलचे से ऐसे साइड में लगा हुआ मलाई को भी खरोचते हुए दूध में मिलाते जाना है। और फिन्नी को बनाने के लिए आप फुल क्रीम मिल्क ही लेना, इसमें मलाई बहुत ज्यादा रहता है, तो इसमें अलग से मावा वगैरह डालने की कोई जरूरत नहीं होगी। ये देखिए जो पीसी हुई चावल मैंने डाली थी वो पूरा पक चुका है और देखिए ये अभी काफी गाढ़ा गाढ़ा भी हो चुका है। कलची से चलाने से अभी पैन की तले भी दिख रहा है। तो अभी इसमें हम 100 ग्राम के करीब चीनी डालेंगे और अब बिल्कुल लो फ्लेम पर चीनी को अच्छे से इसमें मिलाएंगे। तो चीनी आप तभी डालना जब कलची से चलाते समय पैन की तले दिखने लगे, मतलब यही इंडिकेशन होता है कि चावल पूरा पक चुका है। अगर आप पहले चीनी डाल देंगे तो क्रीमी टेक्सचर का नहीं बनेगा बल्कि पानी छोड़ने लगेगा। और चीनी पूरा मेल्ट होने के बाद देखिए ये अभी फिर से ढीला ढीला सा हो चुका है। तो अभी इसमें आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे और अच्छे से मिलाते हुए इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक फिर से ना पैन की तले दिखने लगे। चीनी डालने के बाद आप इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर ही पकाना, नहीं तो ये नीचे से जलने लगेगा। ये देखिए अभी फिर से कढ़ाई की तले दिखने लगा है। तो बस ये बन चुका है, इसे हमें और पकाना नहीं है। ये अभी आपको थोड़ा ऐसे पतला दिख रहा है, लेकिन ठंडा होने के बाद ये और थोड़ा सा गाढ़ा होगा और एकदम ठीक कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। तो अभी फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे साथ ही साथ निकाल लेंगे। मेरे पास ये मिट्टी का कटोरी था, इसीलिए मैं इसमें ही फिन्नी को सेट करने के लिए रख दूंगी, लेकिन आप चाहे तो किसी भी बोल में इसे निकाल के सेट कर सकते हैं। बस इसे कढ़ाई में मत छोड़ देना, क्योंकि कढ़ाई अभी भी काफी गर्म है। और गार्निशिंग के लिए आप ऊपर से थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। और इसे अब करीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। ये देखिए दोस्तों कितने स्मूथ है ये फिन्नी, ये तो मार्केट से भी बढ़िया बना है। मतलब इतना क्रीमी और स्मूथ फिन्नी तो आपको मार्केट में भी शायद ना मिले। तो चलिए मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।